हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस के फर्स्ट डे वाले एपिसोड में। जो वाला गेम मुझे बिल्कुल भी खेलना नहीं आता क्योंकि मैंने इसको पहले बिल्कुल भी नहीं खेला, तो गाइस इस वाले गेम को हम अभी से स्टार्ट करेंगे। तो पता नहीं यहाँ पर अभी करना क्या है, बट चलो इस वाले इसको कुछ करते हैं। ट्रेंड्स यहाँ पर होने वाला क्या वाला है गाइस, ये इतने सारे लोग और ये इसको करना कैसे है गाइस मुझे नहीं पता, आप कमेंट्स में मुझे सिखा सकते हो। चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे सीधा चलते हैं मैच में, क्योंकि मैच स्टार्ट करते हैं और सीधा बंदे को पेलते हैं। पता नहीं इनको पेलते कैसे है, बट सीधा पेलेंगे हम। और इस वाले बंदे का बेस तो कुछ ज़्यादा ही तगड़ा लग रहा है, इसको छोड़ते हैं और इस वाले बंदे को। हाँ गाइस, इस वाले बंदे को हम हरा सकते हैं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हरा सकते हैं, बट गाइस चलो ट्राई फिर भी मार के देखते हैं। इसके पास कुछ ज़्यादा ही बंदे हैं पर फिर भी डर के आगे जीते गाइस। तो यहाँ पर हम अपने बंदे को फेंकते हैं और मेरे पास तो ये 10-15 ही बंदे हैं, जो कतई लग रहा है कि दो ही मिनट में हार जाएंगे। उसे 2-3 मिनट का तो मैच होता है, बट फिर भी उससे पहले हार जाएंगे। बट मेरे पास भी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके के प्लेयर है जो इनको बड़ी ही आराम से मरने में हेल्प करेंगे। वैसे ही तो इनको ये तो भी फोड़ देगी ऐसा लगता है मुझे, और मुझे तो ये वाला गेम खेलना भी नहीं आता गाइस। मुझे तो एक बंदे ने कमेंट करके बोला था कि क्लैश ऑफ क्लैंस खेलो, तो गाइस मैं ये वाला गेम खेलने आ गया। बट इसको एक्चुअली कैसे खेलते मुझे नहीं पता, मैंने आपको पहले बोल दिया, तो प्लीज़ कमेंट्स में कोई ट्रोल मत करना नुबड़े नुबड़े करके। वैसे ही आप नहीं करोगे वो तो मुझे पता है कि आप बहुत ही प्यारे लोग हो जो कमेंट्स में मुझे कभी ट्रोल नहीं करते। वैसे कुछ लोग भी नहीं करते जो सरेंडर कर दिया, अच्छा हो मैंने, नहीं तो फिर मैं यहीं पर वैसे ही हार जाता। गाइस इस बार हम डायरेक्ट बंदों से फाइट नहीं लेंगे, हम सीधा सिंगल मैच खेलेंगे जहाँ पर हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारे ये कॉइन्स भी थोड़े बहुत बढ़ेंगे जिससे मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। और यहाँ पर मेरे कुछ बंदे हैं जो इनको बड़ी ही आराम से ये तो फोड़ ही देंगे, मुझे पता है कि इसको तो ये आराम से हरा देंगे। ये वाला मोटा भैंसा हाथी जाकर इसको आराम से फोड़ देगा। वैसे गाइस इनकी बॉडी देखकर तो लगता है कि इसको चुटकियों में फोड़ देंगे गाइस। वैसे ये तोप भी मुझे कहाँ मिलेगी इस वाली तोप गाइस, ये भी मुझे कमेंट में बता देना कि मैं अपने बेस को कैसे सेट करूँ और कैसे बनाऊँ। और ये गाइस ये वाली तोप तो कतई इन वाले बंदों को फोड़ने की कोशिश कर रही है, बट ये तो उससे भी ज़्यादा ही तगड़े बंदे हैं जिसकी मदद से ये फूटे ही जा रही है। और ये वाला बेस गाइस इसको फोड़ना जरूरी रहता है। मेरे ख्याल से तो यही लग रहा है कि इसको फोड़ देंगे तो शायद हम जीत सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, बट अंदर से ख्याल आ रहा है, बट पता नहीं कि यहाँ पर अभी होगा कैसे। और ये एक्सीलेंट का एक स्टार मिल गया, और ये मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जिसको हम फोड़ने आएंगे उसको पूरा ही फोड़ना पड़ेगा, तभी हमको 3 स्टार मिलेंगे और हम जीत सकते हैं, ऐसा ही लगता है गाइस। और ये देखो मेरी बात एकदम से सच हो गई गाइस, एक मैच और हो जाए इस बार तो हम सीधे प्लेयर इनके साथ पंगा लेकर देखेंगे। तो इस वाले प्लेयर को सीधा सूट देंगे, यहाँ पर जो भी प्लेयर आएगा उसके साथ हम फाइट करेंगे और यहाँ पर सीधा उसके साथ दंगा फरसात स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम छोड़ते हैं अपनी तीरंदाज वाली लड़कियाँ जो कतई खतरनाक वाली है, बट इनको तो ये ऊपर वाली लड़कियाँ मार रही है, पता नहीं यहाँ पर ये ऐसे कैसे चढ़ के बैठी है। इनको निशाना मारते नहीं आता कि मैंने इतनी सारी लड़कियाँ छोड़ी, पर फिर भी ये उनसे मरती जा रही है। गाइस मेरे पास जो पापा की परिया है वो ज़्यादा उड़ती नहीं है, इस वजह से उन ऊपर वाले खड़ी हो रखी उन वाली लड़कियों को ये आराम से मार नहीं सकती। तो इन वैसे बेचारी लड़कियों इनको मैंने इधर की साइड कर दिया, क्योंकि अगर ये उधर की साइड जाएगी तो वैसे ही मर जाएगी, तो इनको कहीं पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इधर की साइड ही कर दिया और दो और लड़कियाँ भेजी है, बट इनकी तो आत्मा ही निकाल दी गई। अरे बाप रे गाइस, यहाँ पर आत्मा निकलते हुए भी दिखाते हैं और इनकी यहीं पर मूर्ति बैठा देंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये 4 ही बन गया तो 5 8 8 ही बाकी है गाइस, 8 वाली इनको तो ऐसे ही फोड़ देंगे। अबे मारो ना एक को तो मारो, ये 2 ऊपर बैठी है वो लड़कियाँ कतई तुमको कब से की मार रही है, बट फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे और तुम्हारी आत्मा निकल रही है। अरे आत्मा निकल के तुम्हारे पास पावर आ गई होगी ना। तो आज के लिए बस इतने गाइस, मुझे ये वाला गेम बिल्कुल भी खेलते नहीं आता, तो मैं इसकी प्रैक्टिस जरूर करूँगा।